मुनव्वर फारूकी के फैन से मैं हो चुकी हूँ डिसअपॉइंट। क्यों? क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे फैंस मैं देख रही हूँ जो कि आयशा को पसंद कर रहे हैं, आयशा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और उनका ये कहना है कि मुनव्वर ही जब उसको पसंद कर रहा है, मुनव्वर ही जब उसको प्यार कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको नफरत करने वाले। ये बात जो है लोग बोल रहे हैं, पर आप अंधभक्त क्यों बन रहे हैं, ऐसे ब्लाइंड फैन क्यों बन रहे हैं? मुनव्वर को तो पता नहीं है, मुनव्वर के सामने जाके इस आयशा खान ने अपनी इतनी बड़ी बातें रखी कि मेरे साथ ये कर दिया तूने, मेरे साथ वो कर दिया, मेरे को क्या कोई लड़का मिलेगा, मुझे क्या कोई पसंद करेगा, क्या मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाऊंगी, नाजिला के पास वापस मत जाना, वो बहुत उसके साथ तूने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, टॉक्सिक चीज़ें हो चुकी है, इतना ज़्यादा गिल्ट में डाल दिया। पर इस बंदी ने बताया कि आखिरकार वो बाहर मुनव्वर के खिलाफ क्या एलिगेशंस डाल के आई है, क्या सब चीज़ें बातें बोल के आई है? नहीं, कुछ नहीं बोला। पर आप तो बाहर बैठे हैं ना, मुनव्वर फैंस तो बाहर बैठे हैं, उनको तो पता है कि आयशा ने आखिरकार क्या एलिगेशंस लगाए मुनव्वर फारूकी के ऊपर। मुनव्वर फारूकी को नहीं पता कि क्या चीज़ें करके आई है, पर डेफिनेटली मुझे पता है कि मुनव्वर फारूकी को जब इसके बारे में पता चलेगा तब वो आयशा से डिस्टेंस ज़रूर बनाएंगे। पर आप लोग को सब चीज़ें पता होने के बाद भी आप आयशा को भाभी बोल रही हैं, आयशा की सपोर्ट में उतर रही हैं, आयशा को अगर मैं भी कुछ बोलती हूँ तो मुझे कुछ बोलने लग जाते हैं, जो कि मैं लॉकअप से मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करती हुई आई हूँ। मुनव्वर फारूकी के बारे में उनके खिलाफ कभी भी कुछ चीज़ें मैंने सुनी नहीं, हर किसी को मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं उस बंदे को बहुत पसंद करती हूँ। एक आर्टिस्ट है, एक गेमर है, जिसकी मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उल्टा मुझे ही बोला जाएगा तो मैं तो मुनव्वर फैन से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी ना, और मैं हुई हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मुनव्वर को मैं इस रियलिटी शो में, पिछले रियलिटी शो में, अगर कोई और भी रियलिटी शो आया तो मैं मुनव्वर को सपोर्ट करूँगी और अभी भी करूँगी और लास्ट तक करूँगी, क्योंकि मैं मुनव्वर को पसंद करती हूँ और मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। मुनव्वर की इसमें कोई गलती नहीं है, ये नाजिला के साथ भी गेम खेली है, मुनव्वर के साथ भी गेम खेली है, और इस तरीके से इस स्टेज पे लेके आके मुनव्वर को खड़ा कर दिया है। नाजिला को मैं शो के लास्ट तक सपोर्ट नहीं करूँगी, और अगर बाहर भी आ गई ना तो भी नहीं करूँगी। मैं आयशा को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। आयशा बाहर भी आई ना तब भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं मुनव्वर को करूँगी। बस यही मेरा पॉइंट है। काफ़ी सारे लोग ये बात बोलते हैं मुझे, मुनव्वर के फैंस एक बात है कि बहुत प्यार से बोलते हैं कि मैम आप तो अब मुनव्वर की तारीफ ही नहीं करती हो। भाई तारीफ़ क्यों नहीं करती हूँ? सब वीडियोज़ देखो और मेरे रियल रिव्यूज़ होते हैं, जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। ऐसे ही नहीं है कि मैं बस चीज़ें बोलने लग जाऊं और बस तारीफ पे तारीफ करती रहूं, बस यही बात बोलते फिर जो है चाट लो भाई मुनव्वर की। मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, मुझे कैसे हेटर्स सब चीज़ें बोलते हैं, ये मुझे ही पता है, मैं ही सब चीज़ें देखती हूं। बट इन चीज़ों से ऊपर होके, सब चीज़ों को इग्नोर करके मैं यहां पर बैठ के मुनव्वर का स्टैंड लेती हूं, बिकॉज मैं उस बंदे को बहुत पसंद करती हूं और मुझे पता है कि उसके साथ अब गलत हुआ और उसके साथ गलत किया है आयशा खान ने। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।